@9 काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। आज एक बार फिर उस मुद्दे के साथ है जिस पर भारत बात तो करना चाहता है लेकिन बहुत से लोग उस बातों को भी दबाना चाहते हैं। दर्शकों, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर 20-25-30 किलोमीटर के बाद जहां पर बातचीत का तरीका बदल जाता है, वहां पर जुबान बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जहां पर 29 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर दिल्ली के नोएडा में बैठकर जो करीब लगता है कुछ टीवी चैनल्स कहते हैं कि वो नेशनल चैनल है, वो किस तरह से नेशनल चैनल है इस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ यूपी को कवर करना, मध्य प्रदेश को कवर करना, राजस्थान को कवर करना, अपने आप को वो समझते हैं कि ये नेशनल कवर कर रहे हैं। लेकिन कभी भी क्या आपने देखा कि तमिलनाडु की कोई घटना इनके अंदर हलचल पैदा करती हो, आंध्र प्रदेश की कोई घटना इनको परेशान करती हो, तमिलनाडु की कोई घटना इनके यहाँ खबर में जगह ले पाती हो, छत्तीसगढ़ की कोई घटना इनकी खबरों में शुमार हो पाती हो, तो ये कैसे नेशनल चैनल है? इन पर भी सवाल खड़ा करना चाहिए। ये नेशनल चैनल सिर्फ लखनऊ तक सीमित है, इनके ब्यूरो चीफ लखनऊ में बैठते हैं, भोपाल में बैठते हैं, जयपुर में बैठते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका वही टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जाता? जैसे हाथरस में अगर 10 रिपोर्टर एक चैनल के जा सकते हैं तो छत्तीसगढ़, बहराइच की नहीं बात करूंगा, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में वही रिपोर्टर्स क्यों नहीं पहुंच पाते जो तथा कथित स्टार रिपोर्टर्स कहलाते हैं? लखनऊ में आज पूरा मीडिया, मीडिया के कैमरे, मीडिया के माइक, सब कुछ है। आज लखनऊ से लेकर आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी तक सब लोग नजर आ रहे हैं, मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को कोई क्यों नहीं देख रहा? जहां छत्तीसगढ़ में एक जगह है कवर्धा, वो जो कि कबीर धाम जो जिला है उसके अंदर आती है, वहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से लगातार झड़प हो रही है, लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अभी तक उसको काबू नहीं कर सका है, लेकिन मीडिया में भी इसको जगह नहीं मिल सकी है। क्या कुछ है वहां की तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर इस पर क्या कुछ कहना सुनना या कहने को या बोलने को लिखने को जो बाकी रह गया है वो कहां सुना जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। जिस राज्य में ये सब कुछ हो रहा है उस राज्य का मुख्यमंत्री, आपको बता दूं कहाँ बैठा है, उस राज्य का मुख्यमंत्री बैठा है लखनऊ एयरपोर्ट पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठकर लखीमपुर खीरी की चिंता कर रहा है, वहां पर जो लोग आरोपी बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। उस मुख्यमंत्री को ये नजर नहीं आता कि उसके गृह राज्य में एक जिला पड़ता है जहां पर इस तरीके की घटनाएं जो वो हो रही हैं, लगातार जो कवर्धा है वो जल रहा है, लगातार कवर्धा से इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कवर्धा तनाव की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब को कोई और चीज़ें सता रही हैं। लखीमपुर सता रहा है, लखीमपुर याद आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि लखीमपुर पहुंच जाने से सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। शायद एक बार अगर मुख्यमंत्री खुद जाकर कवर्धा पहुँच कर स्थिति का मुआयना कर लेते, स्थिति को जांच लेते, शायद चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी प्रायोरिटी जो है वो दिखा दी। उन्होंने बता दिया कि सियासत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर तो कभी बाद में भी देख लिया जाएगा, लेकिन आज अगर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, भारत एट नाइन देख रहे हैं, तो उनके लिए एक सुझाव है कि पहले अपने घर को संभालना बेहद जरूरी है, और ऐसे में जब कवर्धा में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है तो वहां पर प्रशासन को अलर्ट करने की जरूरत है, वहां पर जरूरी दिशा निर्देश देने की जरूरत है। अब आता हूं बेहतरीन और शानदार मुद्दे पर जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लगातार ऐसा क्यों जोड़ा जा रहा है कि भगवा झंडा जो है वो बीजेपी पार्टी का झंडा है? अगर इतिहास की बात करें तो भगवा झंडा इससे पहले मराठाओं ने भी उठाया था, तो क्या मराठा बीजेपी के पदाधिकारी थे? इससे पहले तमाम बड़े राजा देश
देश में अलग अलग स्थानों पर भगवा झंडा लेकर घोड़ों पर युद्ध लड़ने जाया करते थे, तो क्या वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे? इस पर सवाल लगातार कायम होने चाहिए। तो भगवा झंडा जो है, अगर वो हिंदुओं के साथ जोड़ा जाता है तो इसको लेकर कुछ लोगों के मन में शंकाएं क्यों पैदा हैं? कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये बीजेपी का झंडा है और बीजेपी की सरकार और बीजेपी अपनी सीमाएं बनाने के लिए झंडों का प्रयोग कर रही है, जबकि लोगों को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट देने के बाद ही एक आदमी मुख्यमंत्री बनता है, एक आदमी विधायक बनता है, एक आदमी सांसद बनता है। तो ऐसे में लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है एक घड़ी पर कि भगवा झंडा गाड़ देने से यहां पर बीजेपी अपनी सीमा बना लेती है, लेकिन पीछे क्यों नहीं जाकर देखते कि किस तरीके से इसी भगवा झंडे को भारत में राजाओं ने इस्तेमाल किया है, इसी भगवा झंडे को दिल्ली की गद्दी पर गाड़ा गया है, जिसको दिखाया गया था कि हिंदुओं ने दोबारा से अपनी सल्तनत वापस ले ली है। जब आक्रमणकारी बाहर के देशों से इस्लामिक आक्रमणकारी आते थे, तब यही भारत में, इसी भारत देश में, इसी भारत के वर्ष में, जो भारतवर्ष जिसकी बात की जाती है, इसी भारतवर्ष में भगवा झंडा लेकर पूरे अभिमान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ भारतीय राजा लड़ते थे और युद्धों में उनको पराजित भी करते थे। लेकिन आज भगवा झंडे को इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है कि ये बीजेपी का झंडा है? देखा भी जा रहा है तो उसे फाड़ा क्यों जा रहा है? फाड़ा जा रहा है तो अपमानित क्यों किया जा रहा है? इससे पहले राजस्थान से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर एक मीणा नाम के विधायक निर्दलीय थे, लेकिन वो कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे थे। उनके राज्य में उनके सामने एक भगवा झंडे को उतार कर दिया गया, अपमानित किया गया। जब लोगों को पता है कि हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत होती हैं, तो आखिर बार-बार इस तरीके के काम क्यों किए जाते हैं? अब एक बार फिर से दोबारा से यह स्थिति छत्तीसगढ़ के कवर्धा में देखने को मिल रही है, जहां पर भगवा झंडे को उतारा गया, उसको फाड़ दिया गया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भड़काने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ एक पैकेज भी है, एक रिपोर्ट भी है, जिसको देखना आपको जरूरी है। लेकिन उससे पहले अपने मन में सवाल खड़ा कर लीजिए, सवाल प्लांट कर लीजिए, सवाल बना लीजिए कि क्या आखिर देश में इस वक्त लखीमपुर खीरी ही है जो इतना बड़ा मुद्दा है, जो घटना के 3 दिन बाद भी खींचा जा रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इतना ज्यादा व्याकुल महसूस कर रही हैं वह जाने के लिए। साथ ही अखिलेश यादव की बात करूं या दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी काफी व्याकुल नजर आ रहे हैं, ट्विटर से लेकर सड़कों तक क्रांति करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह क्रांति कब तक है, यह स्वाभाविक सा सवाल है जो बार बार जहन में आता है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनाव सामने नजर आता है। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर को अब किसी की नजर लग गई है। कवर्धा जिले में बीते कुछ समय से लगातार 2 समुदाय आमने सामने हैं। ऐसे में एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है कि क्या कांग्रेस राज में यही सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कवर्धा में बीते रविवार को 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प का कारण बना था झंडा। जी हाँ, वो झंडा जिसको एक समुदाय अपना मानता है तो दूसरा समुदाय अपना नहीं मानता है। तो माँ कर्मा चौराहे पर एक झंडा लगा हुआ था जिसे माँ कर्मा का झंडा कहा जाता था। ये भगवा रंग का झंडा था और ऐसे में माँ कर्मा ने ही श्री कृष्ण को पाला था, ऐसी वहां पर कहावत है। तो ऐसे में वो झंडा बहुत पहले से वहां पर लगा हुआ था। लेकिन रविवार को एक दूसरे समुदाय का एक आयोजन था, एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम के चलते वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए थे। तो मुस्लिम समाज के लोगों का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होने वाला था, उससे पहले ही भगवा झंडे के पास उन्होंने अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इसी बीच किसी शख्स ने पहले से लगे भगवा झंडे को उतारते वक्त फाड़ दिया और इसी अपमान के चलते, झंडे के इसी अपमान के चलते दूसरा समुदाय आग बबूला हो गया। और ऐसे में राम का अपमान बताते हुए, राम के नाम को यहां पर अपमानित करते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए और ऐसे में एक समुदाय सीधे तौर पर सामने आ गया और दूसरे समुदाय से टकरा गया। 2 समुदाय आमने सामने थे और दोनों समुदाय के लोगों को चोट भी लगी है। लेकिन ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले से लगे भगवा झंडे को आखिर क्यों उतारा गया? आखिर भगवा झंडे का अपमान बार बार क्यों किया जा रहा है? इस भगवा झंडे का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इस भगवा झंडे का संबंध माँ कर्मा से है। माँ कर्मा ने श्री कृष्ण को पाला था और ऐसे में लोगों की इस झंडे को लेकर एक आस्था है। ऐसे में इस आस्था को चोट पहुँचाने का काम आखिर किसके द्वारा किया गया? क्या साजिश थी? इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन लोगों का लगातार आरोप है
कि इससे पहले भी प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई थी कि यहां पर मामला गरमाया हुआ है, यहां पर कुछ लोग साजिश के तहत मामला और माहौल दोनों ही खराब करने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और सुध ना लेने के चलते आज मामला गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार में हुई 11 बजे ये घटना, जिसके बाद लगातार कवर्धा जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थिति को बिगड़ता देख अब पुलिस प्रशासन ने हर चीज बंद करने का ऐलान कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी वो भी बंद करवा दी हैं। दफ्तर भी आंशिक रूप से बंद है, धारा 144 लागू है, किसी को भी बिना किसी काम के बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी के साथ सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि कवर्धा जिले की जो सीमाएं हैं उसे सील कर दिया गया है। यहां पर कोई भी जिले से बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके पास कोई महत्वपूर्ण कारण ना हो। तो ऐसे में कवर्धा जल रहा है, लेकिन सियासत की बात तो देखिए कि कवर्धा जल रहा है लेकिन इसी सूबे के मुखिया भूपेश बघेल लखनऊ में बैठे हैं। भूपेश बघेल लखनऊ में बैठकर एयरपोर्ट पर धरना दे रही हैं। धरना कवर्धा जिले में होती घटना को लेकर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और मंत्री के बीच हुई झड़प के बाद जिस तरीके से बीजेपी समर्थकों की मौत हुई और 4 किसानों की भी मौत हुई, उसको लेकर यहां पर धरना दिया जा रहा है। लेकिन लखनऊ में धरना देते भूपेश बघेल शायद भूल गए कि उनके खुद के गृह राज्य में एक शहर है जो जल रहा है, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं ले पा रहा। लोकल प्रशासन पहले ही घुटने टेक चुका है, अभी तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो सका है, तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। हालांकि पहले की तरह जो चीजें थी बिगड़ती जा रही थी उनको संभालने में एक हद तक कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह से शांति अभी तक स्थापित नहीं की जा चुकी है। ये भी जांच का विषय है और सवाल भी है कि आखिर क्यों बार बार भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले राजस्थान में भी देखा गया था कि भगवा झंडे को उतारते वक्त फाड़ दिया गया था और वैसा ही अब कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां कवर्धा जिले में झंडे को फाड़ दिया गया। इसको लेकर 2 समुदाय आमने सामने हैं, कवर्धा जिला सील है और अब यहां इस सूबे के मुखिया लखनऊ में बैठकर एयरपोर्ट पर धरने का ड्रामा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कवर्धा में हुई घटना की पूरी ABCD थी जो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दी गई। अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, ठंडे दिमाग से, कि कवर्धा में ये जो पूरी घटना हुई है, आखिर क्यों ऐसी मनोस्थिति पैदा हुई, आखिर क्यों ऐसी स्थितियां बनाई गई कि जहां पर एक झंडा जो पहले से लगा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि माँ कर्मा करके चौराहा है वहां पर ये झंडा पहले से लगा हुआ था। माँ कर्मा ने ही श्री कृष्ण को पाला था ऐसा बताया जाता है। तो जब वो झंडा वहां पर लगा हुआ है, लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है, कई लोग इस झंडे को एक पवित्रता के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है, कोई अन्य समुदाय से आता है, उनकी धार्मिक भावनाएं इससे नहीं जुड़ी हैं, तो ऐसे में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा होती है, ऐसी कौन सी मनोस्थिति पैदा होती है कि आप उस झंडे को हटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कौन सा मन में रसायन जो है, या फिर रसायन जो है वो निकलता है, ऐसा कौन सा रसायन रिलीज होता है कि आपके अंदर ये स्थिति पैदा हो जाती है कि आप झंडे को फाड़ देते हैं। आखिर कौन सी वो स्थिति है, आखिर कौन सी वो मनुस्थिति है जो पैदा हो जाती है कि आप एक पल भी नहीं सोचते कि इसके जरिए क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, इससे पहले राजस्थान में भी ये सब देखा जा चुका है, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ, जिसको लेकर एक तरीके से पूरा दंगे का उसको स्वरूप देने की कोशिश भी की गई। तो आखिर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर इसी तरीके की जब घटना हो रही थी, तो सवाल है, प्रशासन अगर जिन लोगों को पकड़ रहा है उनको पकड़ लेता है, तो पकड़ने के बाद उनसे एक सवाल करिएगा कि आखिर आपने झंडा फाड़ने से पहले क्यों नहीं सोचा कि इसके जरिए कितना नुकसान होने वाला है। आज जो बच्चे, जो छात्र अच्छी खासी पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने के लिए रवाना होने ही वाले थे, उससे पहले ही स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए, धारा 144 लागू करवा दी, इसके साथ ही कवर्धा से बाहर जाने के लिए भी जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। तो आम जनमानस को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है?
जब झंडा फाड़ा गया तो उसके बाद किन किन की गिरफ्तारी हुई ये पुलिस को सामने निकलकर बताना चाहिए। भूपेश बघेल को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और लखनऊ में बैठकर सिर्फ लखीमपुर जाने के लिए व्याकुलता जो है उस पर थोड़ी देर के लिए ठंडा पानी मारकर वापस आना चाहिए। जब अगर वो छत्तीसगढ़ वापस आते हैं तो जनता को भी उनसे सवाल करना चाहिए कि यहाँ की जनता ने चुनकर आपको लखनऊ भेजा था क्या? ये सवाल बड़ा वाजिब है। उनसे पूछिएगा कि आप यहाँ के लिए हैं मुख्यमंत्री हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जनता सीधे तौर पर उनसे ये भी सवाल कर सकती है कि जब जनता ने आपको वोट यहाँ पर दिया है, जनता ने आपको चुनकर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है, तो लखनऊ में जाकर आप बैठकर वहाँ पर क्यों अपने आप को बड़ा ही शोषित महसूस कर रहे हैं। लखनऊ की घटना है, वहाँ के लोगों द्वारा सह ली जाएगी, वहाँ के लोगों द्वारा देख ली जाएगी। लखनऊ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ना हो, जो लखनऊ में ना हो। तो विपक्ष जब है वो लड़ने के लिए आगे है, तो ऐसे में जब कांग्रेस की ही अगर बात कर लें, अगर कांग्रेस वाली ही बात है तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा खुद मौजूद हैं। कल बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी आ जाएंगे, तो ऐसी कौन सी घड़ी, ऐसी कौन सी विकट स्थिति आ चुकी थी कि भूपेश बघेल को खुद ही लखनऊ जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ छोड़ने से पहले एक सवाल उनको अपने आप से पूछ लेना चाहिए था कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य है, क्या किसानों को यहाँ पर जो कुछ मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, क्या गन्ना समर्थन मूल्य जो उत्तर प्रदेश में 350 रुपये कर दिया गया है, क्या मैं यहाँ पर कर सका, नहीं कर सका तो फिर किस नज़र से वहाँ जा रहा हूँ, और अगर जा रहा हूँ तो क्या सब कुछ यहाँ पर स्थिति सामान्य है। आपको बता दूँ कि भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ से लखनऊ के लिए निकले थे तब भी कवर्धा में स्थिति यही थी, दंगे होने की जो साजिश है उसकी पूरी तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। तो ऐसे में बार बार जहन में एक ही सवाल आता है कि जनता को आखिर ये क्यों नहीं समझ आता है कि आपके नेता सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जनसेवा जनभावना करना उनका सेकंड मुद्दा हो सकता है। आप एक चीज़ नज़र करिएगा कि आपके सियासत दान जो हैं, आपके जो नेता हैं, वो दरअसल ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं जब उनके नाम से स्कूल बनाए जाते हैं, जब उनके नाम से कॉलेज बनाए जाते हैं, जब उनके नाम से पार्क बनाए जाते हैं, जब उनके नाम से के बनाई जाती हैं। लेकिन जनता को क्या मिलता है? जनता को झुंझुना मिलता है। वो झुंझुना तब तक बजाती है जब तक दोबारा से चुनाव नजर नहीं आते, चुनाव तब तक सामने नजर नहीं आते। जैसे ही चुनाव सामने आते हैं वैसे ही कुछ पार्टियां कुछ कुछ मुद्दे पकड़ लेती हैं, कुछ पार्टियां कुछ कुछ मुद्दे पकड़ लेती हैं। हर पार्टी का अपना पैकेज होता है, जैसे कई आपने ट्रैवल कंपनी देखी होंगी जो एक पैकेज के सहारे सामने आती हैं। हर किसी का पैकेज होता है, 3 नाइट 4 डे स्टे का होता है, जहां पर खाने की व्यवस्था होती है, लंच भी मिलता है, इसके साथ ही बताते हैं कि समुंदर तक आपको फ्री में घुमाया जाएगा। वैसे ही पार्टियां हैं, कोई पार्टी आपको कमरे का वो देती है, आपको सामने कमरों को फ्री लेकर आती है। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करूं, बार बार आपके सामने बिजली पानी का जो एक मुद्दा है वो रख देती है। बीजेपी आपको हिंदुओं के एजेंडे से जोड़कर रख देती है। ऐसे ही जैसे समाजवादी पार्टी लखनऊ में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो समाजवादी है। तो तमाम जो पार्टियां हैं, जो तमाम सियासतदान हैं, वो आपके सामने चुनाव से पहले एक पैकेज लेकर आते हैं, और जाहिर सी बात है आपको जौन सा पैकेज सही समझ में आता है आप उस पैकेज के सहारे चल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग जब वो लोग सत्ता में हैं तब उनको क्यों नहीं आंक रहे हैं? आज भूपेश बघेल लखनऊ में बैठकर जो सियासी ड्रामा कर रहे हैं, उस ड्रामे की क्या लिमिट है, क्या पैमाना है, क्या वो ड्रामा खत्म होगा या ड्रामा यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि कवर्धा तो जलता रहेगा, लेकिन क्या कवर्धा जलता रहेगा तो मुख्यमंत्री का ड्रामा चलता रहेगा, और ड्रामा चलता रहेगा तो क्या सियासत की गाड़ी जो है उसमें पहिए जो है वो मजबूती के साथ चलते रहेंगे? क्या सियासतदानों को ये नहीं लगता कि कभी पहियों में भी जंग लग सकती है, कभी पहिए भी पंचर हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पहियों के सहारे तो वो सत्ता का जो पूरा अपना सफर है उसको तय करते हैं। लेकिन राजनीति का सफर तय करते करते जनता उनको क्यों नहीं समझाती कि किसी दिन अगर पिन लग गया तो सत्ता की जो गाड़ी है वो गिर जाएगी, धड़ाम हो जाएगी, टायर बस्ट हो जाएगा? तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपसे कहनी जरूरी थी, आपसे कही जा रही हैं। लेकिन एक सवाल है जिसको जरा सोचिए और ठहर कर सोचिए, मन को शांति रखिए और एक सवाल सोचिए कि आखिर कब तक इसी तरीके से नेता आपके सामने इन सब चीज़ें, ये सब तस्वीरें पेश करते रहेंगे, आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? एक बार फिर अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ आपको तो एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि कवर्धा में किस तरीके से झंडा उतारा गया, किस तरीके से झड़प हुई, किस तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने सब कुछ होता रहा। छोटी सी क्लिप है जो शुरुआत में दिखाई थी, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो एक बार फिर दिखाता हूँ ताकि आपके मन में एक सवाल जन्म ले सके, एक सवाल पैदा हो सके। तो पीसीआर महोदय से अनुरोध है कि जो क्लिप है जो शुरुआत में दिखाई गई थी उसको एक बार जी। बिल्कुल ठीक है। तो सुजाता पॉल है, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ऐसा पीसीआर का कहना है। सुजाता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सुजाता पाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सुजाता पाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी धन्यवाद जी। सुजाता जी मैं एक बात बता दूं, मैं चर्चा किस मुद्दे पर करता हूं थोड़ी सी उसकी कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। सुजाता जी, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम एक जिला है, ठीक है, कबीरधाम जिले में एक जगह है जिसका नाम कवर्धा है। कवर्धा में एक भगवा झंडा लगा हुआ था जिसको कुछ लोगों द्वारा हटा दिया गया, जिसके बाद वहां पर स्थिति बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो इसको लेकर मेरा आपसे सवाल यह है कि जब वहां पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है, धारा 144 कवर्धा में लागू है, इसके साथ ही कवर्धा की जो सीमाएं हैं वो प्रशासन द्वारा सील कर दी गई हैं, तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो आपके मुख्यमंत्री लखनऊ में क्या कर रहे हैं? देखिए, जहां तक कवर्धा की बात है तो वहां के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है और मौके में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुजाता जी, लखीमपुर खीरी में भी जो अभी स्थिति जो है वो सामान्य है, पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भूपेश बघेल का लखनऊ में अभी क्या काम है जब उनके खुद के राज्य के एक शहर की स्थिति बिगड़ी हुई है? बिल्कुल नहीं बिगड़ी हुई है, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो किसानों की बात है, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो सामान्य आदमी क्या मरने के लिए पैदा हुआ है? ठीक है, अगर किसानों को प्रिविलेज है तो क्या सामान्य आदमी मरने के लिए पैदा हुआ है? कवर्धा में जो लगातार जो झड़प चल रही है उनको छोड़ दिया जाएगा यूं ही? नहीं, किसान कौन है? इस देश का सामान्य आदमी नहीं है, उसकी हत्या कर दी जाएगी। एक केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देगा, कोई कार्यवाही नहीं होगी, बिना किसी कारण के प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पहले उन्हें इलीगल डिटेंशन में रखा गया, 24 घंटे से ज्यादा होने के बाद उनको अरेस्ट करा दिखाया गया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार हत्यारी सरकार है। वहां पे 144 लागू इससे किया जा रहा है, विपक्ष के नेता को रोका जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में आप भी आवाज उठा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ का बस चलता तो किसी को पता तक ना चलता कि क्या हुआ लोगों का लखीमपुर खीरी में। तो इसलिए आपने कैसे किया कि किसी को पता भी नहीं चला कि कवर्धा में क्या कुछ हुआ? आपने कैसे किया? मैं यही तो आपको बता रही हूँ, सबको पता है कि कवर्धा में क्या हुआ, आप खुद आवाज उठा रहे हैं और इसका मैं स्वागत कर रही हूँ। दोनों पक्ष जो है वो झंडे हटाने के लिए राजी हो गए थे और दोनों समुदाय के कुछ युवक मौके पर पहुंच गए थे और तब जाके मामले में एक विकराल रूप ले लिया था। लेकिन अगर स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है, वहां के एसपी महोदय जो है वो देख रहे हैं, नियंत्रण रखे हुए हैं, कानून व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो सुजाता, ठीक है, ठीक है सुजाता जी, आपका कहना है कि कवर्धा में शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून जो है अपना काम कर रहा है, तो इसीलिए क्या आप उत्तर प्रदेश में चीजें बिगाड़ने का काम करना चाहते हैं? इसलिए आप लखीमपुर खीरी में जहां पर स्थिति सामान्य हो चुकी है, कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर सब लोग जाकर, विपक्ष के तमाम जितने भी नेता हैं वहां पर जाकर, अगर पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आप यहां मत आइए, व्यवस्था बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो आप लोग क्यों वहां जाने के लिए इतना व्याकुल है? आप क्यों चाहते हैं कि वहां कोई ना जाए? आदित्यनाथ, अजय मोहन भी कानून में विश्वास नहीं करते, वो एनकाउंटर में विश्वास करते हैं, वो ठोक देने में विश्वास करते हैं, इसलिए उनका विरोध तो होगा और प्रचंड होगा विरोध। आप मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया उन्होंने, जो टीएमसी के नेता गए हैं उनको अरेस्ट किया, और किसको अरेस्ट किया? वो व्यक्ति जिसने हत्या करी, क्या उसकी अरेस्टिंग हुई? वो भाग गया क्योंकि आदित्यनाथ ने उसे भगाया। अजय मोहन बिष्ट जो है वो वहां पे अपने नेताओं को भेजता है, केंद्रीय गृह मंत्री वहां जाते हैं टेनी, और टेनी के कहने पे उनका बेटा ऐसा करने करता है। टेनी ने ये कहा था 4 दिन पहले कि किसानों को कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा अगर तुमको विरोध नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सुजाता जी, इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भूपेश जी का भी लखनऊ में क्या काम है? जब प्रियंका गांधी जी यहां पर हैं तो भूपेश जी का यहां पर क्या काम है? भूपेश मुख्यमंत्री हैं, क्या लोगों ने उनको चुनकर लखनऊ में भेजा था? छत्तीसगढ़ के लोगों ने भूपेश बघेल को चुनकर लखनऊ के लिए भेजा था कि आप देखिए वहां पर क्या समस्याएं हो रही हैं? देखिए, ये बात तो साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। एक गटर का चुनाव होता है, एक निगम का चुनाव होता है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। सुजाता जी, आप कहना चाहती हैं कि चुनाव है इसलिए आपकी पार्टी के लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं?
आपने अभी वही बात कही, आपने अभी वही बात कही कि कहीं गटर का चुनाव भी होता है तो बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव है इसलिए आप लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। किसानों की हत्या हुई है इसलिए कही है प्रियंका गांधी वहाँ पे। भूपेश बघेल का क्या काम है यहाँ पर? भूपेश बघेल का क्या काम है? भूपेश बघेल देश के बड़े नेता है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जिताकर, चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाकर लखनऊ भेजा है। तो वहाँ पे क्या अव्यवस्था हो रही है आप बताएंगे? वहाँ पर सब कुछ सही हो गया, वहाँ पर सब कुछ सही हो गया, किसान बहुत खुश है, छत्तीसगढ़ का किसान बहुत खुश है, छत्तीसगढ़ का किसान बहुत खुश है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ का किसान बहुत खुश है, लॉ एंड ऑर्डर सब काबू में है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की अब कोई जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाहती है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं है इसलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं? बिल्कुल नहीं कहा मैंने, वहाँ पे व्यवस्था है, वहाँ पे सिस्टम ठीक है, कानून है वहाँ पे। और याद रखिए कि किसान की लड़ाई कभी किसी दल से नहीं लड़ी, किसान की लड़ाई नहीं, मुझे ये बताइए, ये बताइए जब छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है, कवर्धा की बात करूं तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, वो लखनऊ में क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी इधर उधर जाती है, ठीक है चुनाव है, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, उनकी अभी यहाँ क्या जरूरत? उनके प्रदेश में सब कुछ काबू में है, उनके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरे काबू में है, उनके प्रदेश में क्या किसान सुखमय जिंदगी जी रहा है? या फिर वहां पर मुख्यमंत्री की अब जरूरत ही नहीं है? वहां मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है? किसान जो है उसकी लड़ाई किसी दल से नहीं होती, ठीक है, किसानों की बात हो गई, ठीक है सुजाता जी, किसानों की बात हो गई। भूपेश जी यहाँ क्या कर रहे हैं? भूपेश जी वहाँ पे ये कर रहे हैं कि जहाँ कानून का राज नहीं है उस मुख्यमंत्री अजय मोहन बिज को ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं बता पा रही थी, प्रियंका गांधी को आप कमजोर मानती हैं, प्रियंका गांधी नहीं बता पा रही थी जो भूपेश बघेल की जरूरत पड़ी? मैंने तो उनसे सवाल करना होगा, कर लूंगा। आप ये बताइए प्रियंका गांधी जी जब यहाँ हैं तो क्या आप उनको कमजोर मानती हैं जो भूपेश बघेल को यहाँ पर आना पड़ा? जब आप उन्हें अरेस्ट करके बंद कर दे रहे हैं वो बाहर नहीं आ पा। राहुल गांधी को बिल्कुल कमजोर मानती हैं, राहुल गांधी नहीं आ सकते थे? राहुल गांधी आ सकते थे? आप बताएंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? बिल्कुल मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ मैं, वोट देता हूँ, छत्तीसगढ़ का वोटर हूँ, मुख्यमंत्री हमने चुना है, मुख्यमंत्री यहाँ क्या कर रहे हैं लखनऊ में, बिल्कुल मैं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगी, मैं बताऊंगा। वो मुख्यमंत्री है, पार्टी में नहीं है, सरकार में भी है, सरकार में भी है, लोगों ने चुना है उनको। आपकी पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, सरकार में है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है। और अगर कानून व्यवस्था में पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है मैडम, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है भूपेश बघेल, सरकार में है, लोगों ने चुनकर भेजा है उनको, ठीक है। सवाल उठाइए कि किसानों के हत्यारे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, प्रियंका गांधी को अरेस्ट कैसे कर लिया गया, 151 किस बिना पे लगाया गया, इस बात का जवाब आप भी तो पूछिए। ठीक है, उनसे पूछ लूंगा, आपने बताया उनसे पूछ लूंगा। आप बताइए भूपेश बघेल यहाँ क्या कर रहे हैं? भूपेश बघेल वहाँ पर इसलिए गए हैं क्योंकि उनकी पार्टी की नेता है प्रियंका गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी को पार्टी पहले है या फिर देश पहले है? पार्टी पहले है या प्रदेश पहले है? उनका प्रदेश भी है, उनकी जिम्मेदारी है एक प्रदेश की, मुख्यमंत्री है, प्रदेश पहले है, पार्टी पहले है? आप जो बात कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं मगर ये भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हत्या नहीं हुई है, किसानों की हत्या हुई है तो वो लखीमपुर खीरी में हुई है, जिसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए वो अरेस्टिंग नहीं हुई है, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। मुख्यमंत्री अरेस्ट करके छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, ठीक है समझ गया मैं। छत्तीसगढ़ की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि बीजेपी का ठीक है, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि वहां मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी बताया गया सुजाता जी की तरफ से कि वहां सब कुछ ठीक है, क्राइम कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ कंट्रोल में है। तो ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, जो भी अपना करना चाहते हैं खुद से करिए, जो भी सोचना चाहते हैं समझना चाहते हैं खुद से करिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भूपेश बघेल को जिताकर आपने लखनऊ भेजा है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।